मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। तो आज फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ घर के पिसे मसाले से, मतलब कि साबित आलू की सब्जी। तो ये रहा लहसुन प्याज, आज मतलब कि बनाऊंगी सिलबट्टे पे मसाले को पीस के साबित आलू की सब्जी। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो साबित आलू की सब्जी कैसे बनती है आप पूरा देखिएगा वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से जिसने नहीं किया है, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। तो साबित आलू बनाने के लिए फ्रेंड्स इधर मैंने छील रही हूँ, ये छोटे छोटे मीडियम साइज़ के पोटैटो हैं। तो ये बीच के साइज़ के हैं, मतलब इनको ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पास बड़े हैं तो उनको बीज में से कट कर सकते हैं, यानी कि दो टुकड़े कर सकते हैं। मैं ना इनके मतलब ये छोटे छोटे से थे बिल्कुल, तो इनको कट नहीं किया है। ओनली ना जो बड़े बड़े से हैं उनको फोड़ लूँगी, और जो छोटे छोटे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे हैं ना पपी वाले, वो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगी, और जो मीडियम है ना उनको फोड़ लूँगी। और अगर इससे बड़ा हुआ ना तो उसको मैं डबल मतलब कि बीच में से दो टुकड़े करती इसके, तो ऐसा रखती मैं अगर साबित आलू बनाती। तो इधर मैंने ना लहसुन छील रही हूँ और प्याज छील रही हूँ, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊँगी, तो वो सिलबट्टे पे पीसूँगी। मिक्सी का जार ख़राब पड़ा है, बहुत दिन से सही नहीं होकर आया है। हस्बैंड से बोला था तो बोलते हैं रोज़ रोज़ तुम ख़राब करके रख देते हो, पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनका भी सच है फ्रेंड्स, ना पता नहीं जाम हो जाता है, उसकी पत्तियाँ नीचे से टूट जाती हैं प्लास्टिक वाला। और पहले तो मतलब स्टील का लगा के देते थे, अब ना वो प्लास्टिक वाला लगा के देते हैं, तो मतलब कि वो ओरिजिनल नहीं आता, लोकल वाला देते हैं, पैसे पूरे ले लेते हैं, ठग चुके हैं बहुत बार। इस बार फिर से वही बात होगी, टूट गया, फिर से जाम हो गया था तो वो टूट गया है। तो हस्बैंड से बोला था, उन्होंने मना कर दिया कि अभी ऐसे काम चलाओ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि जैसे ही वो सही करवा के लेकर आए थे, ये दो या तीन बार मसाला पीस पाया मैंने और फिर से वो टूट गया, तो वो हो रहे थे गुस्सा, क्योंकि ना 500-600 रुपये से ज़्यादा लग गए थे उसको सही कराने में, तो इसके कारण से वो गुस्सा हो रहे थे कि बार बार तोड़ तोड़ के रख देते हो। तो उनका भी कहना सही है, पर गलती हमारी भी नहीं है, सही सामान नहीं डला था उसमें, क्योंकि ना जैसे ही उसको हमने चलाया उसको ना हीट लगी है, लोड लगा है उसमें, जब मिक्सी चलाते हैं ना लोड लगा, तो वो जो प्लास्टिक का नीचे का जो एक चक्री टाइप का होता है वो डल के आया था प्लास्टिक का, वो पिघल गया था मतलब कि नीचे आ गया था, तो वो मतलब कि लोकल था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। और हस्बैंड को बोला है, वो जाएंगे उनको दिखाएंगे, भाई सामान तो ना सही दो, पैसे जब पूरे ले रहे हो तो करके देंगे, सही तो दे देंगे, नहीं तो पैसे तो फिर जाने ही है। तो देख लीजिए मैंने आलू को छील लिया है, कचरा भी डस्टबिन में फेंक आई हूँ, अब इधर सलवट्टा उठा कर लेकर आई हूँ, इस पर पीसना है मुझे मसाला, सिलवट्टा बोलते हैं इसको। पहले मैं इन आलू को मैं धो लेती हूँ, खांसी हो रही है, मौसम मतलब कि चेंजिंग हो, ओले वगैरह कहीं पे पड़ गए हैं, इसलिए ठंडा मौसम सर्द गर्म वाला मौसम हो रहा है। तो फ्रेंड्स इधर आलू को धो लेती हूँ पहले, तो इन आलू को मैंने एक बार अच्छे से रगड़ के धो लिया है, और एक बार इसको इस तरीके से रख देती हूँ चलनी में ताकि ये पानी निकल जाए इसका, और अब मसाला पीस लेती हूँ। तो ये रहा लहसुन और अदरक, लहसुन अदरक प्याज तीनों है इसमें, लहसुन अदरक प्याज है। अब इधर ये जो नॉर्मली मसाले होते हैं ना वो सारा ऐड कर लूँगी, ओनली मतलब कि गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी इसमें। अगर ऐड करूँगी तो काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर बोलते हैं ना, तो साबित काली मिर्च है, मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर नहीं है, काली मिर्च का पीसी पाउडर नहीं है मतलब,
तो इसलिए मैं काली मिर्च ना 7 से 8 मतलब कि 7 या 8 काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। नमक, मिर्च, हल्दी, नून, धनिया ये सब मैंने ऐड कर लिया जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मेरे को चटपटा तीखा ना, जितना नमक वो सब मैंने इसके अंदर, लहसुन प्याज अदरक के अंदर ऐड किया है। अब ओनली मैं इधर डालूंगी इसके अंदर काली मिर्च। ये देख लीजिए लापरवाही का नतीजा, ये सारे मतलब कि तेज पत्ते थे, गर्म मसाला वाला डिब्बा है ये, तो इसमें ओनली मैंने ना काली मिर्च ऐड की है। तो ये हस्बैंड लेकर आए थे, मैंने उनको बोला था मतलब गर्म मसाला लेकर आना, तो लेकर आए हैं सारा गर्म मसाला। तो मैं ना काली मिर्च तो मैंने ना इसी तरीके से पीस पीस के ख़त्म कर लिए, तेज पत्ते रखे हुए हैं उनको एक बार मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, पीसती नहीं हूँ मैं गर्म मसाला। ओनली मैं काली मिर्च वगैरह इसी तरीके से डाल लेती हूँ, या फिर दालचीनी की लकड़ी होती है सिनेमन स्टिक, वो मैंने इसके अंदर मसाले के अंदर पीस लेती हूँ। और साबित पत्ते हैं वो क्या करती हूँ मैं, जब पुलाव वगैरह बनाती हूँ, चावल वगैरह या चूल्हे वूल्हे बनाऊँ उसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ। और रही लौंग की बात, तो लौंग तो आपको पता है पुलाव में भी चलती है लौंग। और फिर उसके बाद जो हमारे ना मतलब ये अपने हिंदू धर्म में पूजा पाठ होती है तो उसके अंदर ना लौंग बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है नवरात्रों में, तो इस तरीके से मैं यूज़ में ले लेती हूँ गर्म मसाले वाले, वो लौंग वोंग अलग कर लेती हूँ, ये अलग कर लेती हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स ना मैं हमेशा ये काली मिर्च है ना सब्जी मसाले के अंदर पीस के ऐड करती हूँ, और कोई गर्म मसाले वगैरह इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो ये मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया है। सिलबट्टे से पीसा हुआ मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। अगर आपके पास ना सिलबट्टा है तो आप भी इसे, आप तो पीसते ही होंगे, जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं ना, आप है ना मिक्सी के अंदर सारे मसाले ऐड करना, और ये काली मिर्च ब्लैक पेपर पाउडर होता है ना वो ऐड कर देना, काली मिर्च तो काली मिर्च ऐड कर देना, और आलूओं को इसी तरीके से धो लेना जैसे मैंने धोए हैं। पूरा प्रोसेस आप देखना। तो इधर आती है घुटनों की बारी। अरे घुटने तो मतलब कि बहुत ज़्यादा है, थायराइड कम ज़्यादा हो जाती है ना तो घुटनों पे ज़्यादा असर होता है। तो ये मसाला मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया, एकदम बढ़िया बना है, अच्छा बनता है ये सब्जी, इसकी टेस्टी बनती है। ऐसे आप ना बना के जरूर देखिएगा साबित आलू की सब्जी। एक बार इस बटने को धो लेती हूँ, और इस पे ना ये सिलबट्टा होता है ना, इस पे ना छेनी हथौड़ी से ना इसके ऊपर ना छेद किए जाते हैं छोटे छोटे, आपको दिख भी रहा होगा ये छेद किए जाते हैं। ये छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि ना जो आप मसाला पीसो भी इधर उधर सरके नहीं, जितना ये दरदरा ही खुरखुरा रहेगा मसाला उतना आपका ज़्यादा अच्छा पीसेगा, तो इसीलिए छेनी और हथौड़ी से इसके अंदर छेद किए जाते हैं। जब भी आता है कोई करने वाला तो करवा लेती हूँ बैटर ना, इसकी बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा हो रखा है ये बिल्कुल साफ़ बढ़िया तरीके से है। तो मैंने ना मसाला पीसने के बाद इसको इसीलिए धो लिया था क्योंकि इसके छोटे छोटे इसमें छेद थे ना, उनके अंदर मसाला भर जाता है तो उनको निकालना भी ज़रूरी रहता है। फिर उसके बाद अगर मैंने ये मसाला निकाल लिया है और उसके बाद मैं इन आलू को फोड़ रही हूँ, कुछ आलू हैं जो हाथ में से सरक के भाग रहे हैं, तो मैं ज़्यादा मतलब कि आलू मीडियम साइज़ के ही फोड़ूंगी, और जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं उनको मैं छोड़ दूंगी, उनको नहीं फोड़ूंगी मैं। ओनली चटकाना है मतलब कि उसके 10 टुकड़े नहीं करने हैं, इस तरीके से बटना लगाना है इस पे सिलबट्टा ये जिससे मैं फोड़ रही हूँ, इस तरीके से इसको करना है कि वहीं मतलब ये क्रैक आ जाए, उसके अंदर क्रैक आना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कि उसके 2-2 टुकड़े हो जाए, टुकड़े नहीं होने चाहिए, क्रैक आना चाहिए इसके अंदर। तो कुछ आलू हैं सरक सरक के उधर उधर जा रहे हैं, छोटे आलू हैं, तो मैं अब ये छोटे और भी छोटे छोटे हैं इनको मैं नहीं फोड़ूंगी क्योंकि ये फूट नहीं रहे हैं। और अब ये इधर मसाला भी हो चुका है, आलू को भी मैंने फोड़ लिया है। अब ये सिलबट्टे को मैं वापस इसी जगह रखाती हूँ, और इधर मेरी पिन साड़ी की जो पिन थी वो निकल गई थी, तो पिन भी ना थोड़ा सा ना निकल जाती है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो रखी थी पिन, तो इसके कारण से ना ये इस पर ना दबाव पड़ता है तो ये निकल जाती है, खुल जाती है ये पिन। तो इस बटने को मैं धो लेती हूँ, उस सिलबट्टे को भी मैं धो के उसी जगह रखाती हूँ मैं।
तो सिलवट्टे को मैंने धो के रख दिया है। अब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये सिलवट्टा मेरा धुला हुआ रहेगा। जब मैं इसको लेकर आई थी मसाला पीसने के लिए, तब आपने देखा था बिल्कुल साफ़ था। ये साफ़ इसीलिए रहता है क्योंकि मैं इसको हमेशा धोकर ही रखती हूँ, और यूज़ करने से पहले भी धो लेती हूँ, यूज़ करने के बाद भी मैं इसको धुल के रखती हूँ साफ़ करके। तो ये देख लीजिए अपना सारा मसाला सलाद तैयार हो गया है। तो अभी मैंने पानी यानी नहीं भरा है, अभी यहीं पे बाल्टी है क्योंकि लाइट नहीं है कि दो बाल्टी रखी है। इसे रोटी पानी करूँगी, बर्तन वर्तन जो भी होंगे मांजूँगी, लाइट आएगी उसके बाद मैं पानी भरूँगी। तो चलिए अब चल रहे हैं किचन के अंदर। मैं रख देती हूँ गैस पर प्रेशर कुकर। अब मुझे ना सब्ज़ी बनानी है तो मैं प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊँगी। प्रेशर कुकर के अंदर इसलिए क्योंकि ये जल्दी बन जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, खाना इनको समय पे बना के देना है। तो आज भी नहाई ही मैं काम कर रही हूँ किचन के अंदर। तो अब मेरे हालात इसी तरीके से रहेंगे, बच्चों के स्कूल है ना जल्दी ओपन होंगे, तो मुझे ना और भी जल्दी काम करना होगा, टाइम रहते काम समय पे करके देना होगा मुझे उनको लंच वंच पैक करके। तो इधर मैं अब आटा गूंथ लेती हूँ। आटा को मैंने छान के रखना है, तो मैंने कहा तेल गरम हो गया है तो मैं इस प्रेशर कुकर को बाहर इस साइड में लेकर इसलिए आ गई थी। फ्रेंड इसमें मैंने मसाला ऐड किया तो मैं इसलिए लेकर आई थी, इसमें से ज़्यादा ऑयल गरम था तो इसमें से धुआं निकल रहा, तो ये डब्बे वब्बे पर आ जाता है, तो इसके कारण से मैंने इसको बाहर लेके गई। मसाला भून गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए है। इसको 3-4 मिनट तक ऐसे ही भूनने दूंगी आलूओं को। वही मसाला ऐड किया जो मैंने सिलबट्टे पे पीसा था, उसके बाद मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि नमक मिर्च मसाला उसी टाइम मैंने ऐड कर लिया था। ओनली इसको तेल में फ्राई करना है मसाले को, और इसके अंदर आलू ऐड करने हैं, आलू को भूनने देना है। इसको मैं ना मसाला जब ना ऑयल छोड़ देगा उसके बाद मैं आलू को ऐड कर दूंगी उसके अंदर, आलू को अच्छी तरीके से भूनने दूंगी जब तक कि वो अच्छे से पक जाएं। और अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ, तो उसके अंदर है ना मैंने पानी ऐड कर दिया है, लगभग मैंने 1.5 कटोरी पानी ऐड किया है उसके अंदर साबित आलू के अंदर। आप चाहो तो उतना आप उसके अंदर रसा रख सकते हैं। तो मैंने प्रेशर कुकर ढक्कन लगा दिया है, अब मुझे बेलनी है रोटियां। तो फ्रेंड्स ना ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज मैं इतना ही ब्लॉग रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ना ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।